अनन्या पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर के अंदर क्या क्या हुआ, अब वो बातें सामने आने लगी हैं। कल अनन्या को 11 बजे एनसीबी दफ्तर में बुलाया गया था, लेकिन वो 3 घंटे की देरी से 2 बजे एनसीबी ऑफिस में पहुंची। मीडिया को लगा कि शायद अनन्या ने एनसीबी से रिक्वेस्ट करके आगे का टाइम मांग लिया है, लेकिन यहाँ सभी गलत साबित हुए। अनन्या के देर से आने पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर बानखेड़े ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। समीर बानखेड़े ने अनन्या से कहा कि आपको 11 बजे बुलाया गया था और आप अब आ रही हैं। अधिकारी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं। ये कोई तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये सेंट्रल एजेंसी का ऑफिस है। जितने बजे बुलाया जाए उस समय पर पहुंच जाया करो। ये सुनकर अनन्या सहम गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि अनन्या इस दौरान अपनी लीगल टीम से कंसल्ट कर रही थी। उनकी टीम बता रही थी कि उन्हें एनसीबी के सामने क्या क्या बोलना है। फिलहाल तो अनन्या के जवाबों से एनसीबी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें एक बार फिर से सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखते हैं कि क्या एनसीबी अनन्या पर शिकंजा कसती है या फिर उन्हें पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।